आज हमने प्रभा स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड फिफ्थ का सब्जेक्ट MSE लेसन नंबर 11 लेकर आए हैं, इंजॉइंग एक्सरसाइज, यानी कि हम जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसको कैसे एंजॉय करना चाहिए। वर्ड्स ऑफ विजडम में हमें दिया हुआ, टू एंजॉय द ग्लो ऑफ गुड हेल्थ यू मस्ट एक्सरसाइज। अगर हमें स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, अपने आप को निखारना है, तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। मरीना वॉज इन अ क्लास स्टूडेंट, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग जंक फूड। यानी कि वहाँ पे एक मरीना नाम की लड़की है जिसको जंक फूड यानी कि बाहर का खाना खाने की बहुत ज्यादा आदत थी। शी स्पेंड लॉन्ग आवर्स वॉचिंग टीवी और प्लेइंग वीडियो गेम्स, यानी कि वो अपना ज्यादातर समय जो है टीवी देखने में या गेम्स खेलने में ही बिता देती थी। शी डिड नॉट लाइक एक्सरसाइज और प्लेइंग आउटडोर, यानी कि उसे एक्सरसाइज करना, बाहर खेलना कूदना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सून शी पुट ऑन लॉट ऑफ हाइट, यानी कि यहाँ पे ऐसा भी हो गया कि उसकी हाइट वगैरह बढ़ना कम हो गई। शी डिड नॉट नो हाउ टू लॉस द एक्स्ट्रा वेट शी हैड पुट ऑन ड्यू टू द अनहेल्दी हैबिट्स। अब उसका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था तो बाकी चीजों की ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, तो उसने सोचा अब ये चीजें मैंने खा तो लिया है, मेरा वजन बढ़ा दिया, अब मैं इसको कैसे हटाऊं। वन डे शी विजिट अ बुक स्टोर, शी फाउंड अ बुक एंजॉइंग एक्सरसाइज। अब वो एक बुक स्टोर पर जाती है बुक्स लेने के लिए, तो वहाँ पर उसे एक एंजॉइंग एक्सरसाइज नाम की बुक दिखती है। द बुक गॉट हर बैक ऑन ट्रैक, इट मोटिवेट हर एंड द थॉट ऑफ एंजॉयबल एक्सरसाइज रियली इंस्पायर्ड हर। अब उसके बुक के पीछे पूरी सारी चीज़ें लिखी हुई थी, उसके अलावा ये भी लिखा हुआ था कि किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट यानी कि आगे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज को एंजॉय वगैरह कर सकते हैं। शी बिगेन विद सम लाइट एक्सरसाइज एवरी डे, फिर वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना उसने स्टार्ट की। शी ऑल्सो स्टार्टेड हर डेली वॉक्स, फिर वो डेली वॉक वगैरह करने लगी। व्हेनेवर शी फेल्ट डीमोटिवेट शी रिमेंबर हरसेल्फ हाउ एक्सरसाइज वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी लिविंग। और जब भी वो डीमोटिवेटेड यानी कि हताश हो जाती थी तो वो यही सोचती थी कि किस तरीके से एक्सरसाइज की वजह से उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पिक्चर भी बड़ी अच्छी दी गई है। अब यहाँ पे मैं दिया हुआ, वाई डू मोस्ट पीपल हैव ट्रबल इन मेकिंग एक्सरसाइज अ रेगुलर हैबिट, यानी कि लोगों को दिक्कत क्यों होती है कि एक्सरसाइज को एक तरीके का हैबिट बनाने के लिए उन्हें इतनी दिक्कतें क्यों होती है। पहला तो द मेन प्रॉब्लम्स, यानी कुछ हमें यहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स दी गई। पहला, टू डिफिकल्ट, इनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है हम देख लेते हैं। वी सेट आउट विथ अ लॉट ऑफ एम्बिशियस एंड एंथुसियाज्म एंड स्टार्ट आउट विथ अ बिग गोल, यानी कि हम क्या करते हैं, कुछ ज्यादा ही आशाएं रखते हैं, हम ज्यादा ही चीजों के लिए सोच लेते हैं कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले। हमारा जो गोल होता है वो उस चीज के लिए काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। द प्रॉब्लम इज दैट द गोल इज टू डिफिकल्ट टू सस्टेन फॉर वेरी लॉन्ग। एंड ऐसा भी हो जाता है कि हमारा जो गोल होता है वो काफी ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए लंबे समय तक चलाने के लिए। We do it for a few days, but soon run out in interest and give up exercising. यानी कि हम क्या करते हैं, कुछ ही दिन उसको मानकर चलते हैं, but soon run out of interest and giving up exercise. यानी कि हम क्या करते हैं, अपना अगर हमसे वो चीज़ नहीं होती है तो हम जल्दी हार मान जाते हैं, फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सेकेंड, टू मैनी गोल्स, हमारा जो लक्ष्य होता है बहुत सारे हम लक्ष्य उस चीज़ को लेकर सोच लेते हैं। Often we set out to do too much. We want to run, lift weights, eat healthy food, quite sweets and stop drinking colas. यानी कि हम यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पे हमें चलना है तो उसके लिए वजन थोड़ा कम करना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा, स्वीट्स कम करने पड़ेंगे, मिठाइयाँ वगैरह कम खानी पड़ेंगी, जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं हमारे लिए जैसे कोको कोला और ये सारी चीज़ें कोल्स, वो भी हमें कम करनी पड़ेंगी। विद दीज मल्टीपल गोल वी लॉस फोकस एंड एंडिंग अप डूइंग नथिंग, यानी कि इन सब के चलते मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, हम इतनी सारी चीज़ें सोच लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से इतने सारे हमारे गोल हो जाते हैं और हम अपना फोकस है वो हमारा फोकस होता है एक ही चीज एक्सरसाइज, जो हम यहाँ पर भूल जाते हैं। थर्ड, नॉट इनफ मोटिवेशन, हम अपने आप को ही मोटिवेट यानी कि प्रोत्साहन नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ा पाते। सम टाइम डिस्पाइट अवर बेस्ट रिजोल्यूशंस वी लैक द मोटिवेशन, यानी कि हमें अच्छे से अच्छा करना होता है बेस्ट रिजल्ट के लिए, हम अपना मोटिवेशन ही खो देते हैं। वन मेन रीजन टू फील डीमोटिवेट इज नॉट टू गेट द एक्सेप्टेड रिजल्ट फ्रॉम इनफ, यानी कि एक बड़ा सा रीजन डीमोटिवेट होने का यही है कि हमें उस चीज का रिजल्ट ही नहीं मिल पाता है। अब इन सारी बातों के लिए हमें कुछ सॉल्यूशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं।
इजी, जस्ट फॉलो दिस फोर सिंपल स्टेप्स। हमें यहाँ पे चार स्टेप्स जो दिए गए हैं बड़े आसान है और इसके लिए हम अपना गोल भी अचीव कर सकते हैं। पहला दिया हुआ इजी, सेट अ गोल दैट इज इजी टू फॉलो, यानी कि पहला तो हमें गोल ऐसा सेट करना चाहिए जो हम कर पाए, ठीक है, हमसे ऐसे टाइम पे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अ डे, दिन में हमें 5 मिनट निकाल कर एक्सरसाइज करनी है। वर्क योर वे टू 10 मिनट्स आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद हम उसे 10 मिनट तक कर दें। देन गो टू 15 मिनट्स आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद हम उसे 15 मिनट्स पे चला दें। मेक इट ईजी टू स्टार्ट विद सो दैट यू कैन बिल्ड योर हैबिट, यानी कि हम शुरुआत अगर ईजी से करेंगे तो आगे चलकर वो हमें फिर दिक्कत नहीं देगी और हमें हार्ड भी नहीं लगेगी। देन ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यहाँ पे दिया, डिसाइड केयरफुली ऑन व्हाट एक्टिविटी यू आर गोइंग टू डू, यानी कि हम जो एक्टिविटी करने वाले उसे हमें ध्यान से सुनना है। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे एंड वेयर, कौन से दिन में कब करना है, कहाँ पे करना है। डू नॉट मिस इट एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए हमें उसे मिस नहीं करना है कि लेट हो गया, नहीं हो रहा है कि हमें लेजीनेस आ गई, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ मिजरेबल, सेट अप अ फिक्स नंबर, हमें एक मिजरेबल यानी कि हमें एक नंबर जो है वो फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल रन फॉर 10 मिनट्स, वॉक हाफ अ किलोमीटर एंड डू 3 सेट्स ऑफ 5 पुशअप्स, यू शुड बी एबल टू स्टे डेफिनेटली वेदर यू हिट और मिस योर गोल ईच डे। यानी कि यहाँ पे हमें ये भी बताया गया कि एक नंबर हमें फिक्स करना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 10 मिनट तक हमें दौड़ना है, आधा किलोमीटर चलना है, 3 सेट्स हमें पुशअप्स के यहाँ पे करने हैं, तो हम क्या रहेंगे ये सारी चीज़ों को हम कर भी पाएंगे और हमसे कोई चीज़ छूट भी नहीं हो जाएगी, हमारा गोल भी कंप्लीट हो जाएगा। वन गोल यानी कि एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, स्टिक टू दिस वन गोल फॉर एटलीस्ट अ मंथ, यानी कि एक मंथ के लिए हमें कुछ भी करके वो गोल को कंप्लीट करना ही है। डोंट स्टार्ट अ सेकेंड गोल ड्यूरिंग द थर्ड डे पीरियड, हमें ऐसा थर्टी डे पीरियड, यानी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक कंप्लीट हुआ ही नहीं, भाई हम सब हो जाएगा तो हम दूसरा अपना गोल स्टार्ट कर दें, ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। सेकेंड हमें यहाँ पे दिया लॉग एट डेली, दिस इज द की हैबिट, यानी कि एक अच्छी आदत होती है। इफ यू कैन लॉग योर वर्कआउट योर, यू विल स्टार्ट टू सी योर प्रोग्रेस एंड इट विल मोटिव यू टू कीप गोइंग, यानी कि हम अपने काम पे बरकरार रहेंगे, हम उस चीज के लिए अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो खुद ही खुद हमें उस चीज के लिए मोटिवेट, प्रोत्साहन है वो अपने आप को ही, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम वो चीज रोज ही रिपीट करेंगे। एज सून एज यू हैव डन योर एक्सरसाइज लॉग इट, यानी कि हम जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो हमें यहाँ पे नोट करना चाहिए उस चीज के लिए। मेक द लॉग सिंपल, जब द टाइम डेट टाइम डे एंड व्हाट यू हैव डन, यानी कि उस लॉग में हमें सिंपली क्या लिखना चाहिए, मैंने इस तारीख पे इतने टाइम पे इतने टाइम के लिए एक्सरसाइज की। अ कॉम्प्लीटेड लॉग विल डिस्करेज यू डूइंग द लॉग, यानी कि अगर तुम लॉग को यानी कि जब लिख रहे हो उसे ज़्यादा कॉम्प्लीकेट बना दोगे तो वो चीज़ फिर होगी ही नहीं। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ रिपोर्ट टू अदर्स, अदर एंड दूसरों को हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्टिंग अ डेली वर्कआउट शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस, यानी कि हम अपना जो वर्कआउट डेली है अगर हम रिपोर्ट करते हैं कि मैंने आज क्या किया, मुझे और क्या करना चाहिए, तो वो भी हमें आगे बढ़ने के लिए कंफर्टेबल रह सकता है। यू कैन डू इट विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली और अ वर्कआउट पार्टनर और अ कोच और अ ग्रुप और अ क्लास, हमें ये चीज़ें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ, जिसके साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे कोच हो गए, हमारे क्लास के ग्रुप हो गए, उनके साथ भी करना चाहिए। बी अश्योर दैट दे नो योर गोल, अब उन्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें क्यों कर रहे हो, एंड दैट यू आर गोइंग टू रिपोर्ट टू देम, फिर हमें उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए। एंड बी श्योर दैट दे आर एक्सेप्टिंग इट एवरी डे, और इतना भी हमें ध्यान रखना है कि रोज का रोज की ये चीज़ सारी चीज़ें हो रही हैं। फोर्थ एड मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन ऐड करना चाहिए। द फर्स्ट 3 स्टेप्स माइट बी इनफ फॉर यू टू गेट द हैबिट गोइंग, यानी कि पहले जो 3 स्टेप हमें दिए उसमें हमें थोड़ी सी ऐसा हो सकता है हमारे उसे आदत बनाना थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, बट इफ नॉट जस्ट डोंट जस्ट गिव अप, अगर हमसे वो चीज़ नहीं होती है तो हमें उसके लिए गिव अप नहीं करना चाहिए। इफ यू मिस 2 consecutive वर्कआउट यू नीड टू लुक एट द वाई एंड फाइंड अ मोटिवेशन रिवार्ड इंस्पिरेशन whatever इट टास्क गो ऑन द टू मोटिवेट योर सेल्फ अंटिल द एक्सरसाइज हैबिट स्टिक्स, यानी कि अगर हम में से कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो हमें उसके रीज़न ढूंढना चाहिए क्यों मिस हो चुका है, मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए जब भी हमें ज़रूरत हो, तो मोटिवेशन और इंस्पायरिंग से हमारे जो एक्सरसाइज की आदत है वो बरकरार रहेगी।